माई डियर स्टूडेंट्स, टूडेज टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल। वॉट इज अ सेल? हमने सुना ही होगा कि छोटे छोटे ब्रिक्स होते हैं, वो छोटे छोटे ब्रिक्स मिलके एक बिल्डिंग बनती है ना। यस नो? उसी तरह सेल भी हमारे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, यानी कि वो ब्रिक्स की तरह काम करते हैं। एक छोटे से सेल से हम इतने बड़े इंसान बनते हैं। यस नो? यस मैम, छोटे से सेल से ही हम इतने बड़े इंसान बनते हैं। कैसे? क्योंकि ये सेल मल्टीप्लाई होके मतलब डिवाइड होते हैं और बहुत बड़ा मतलब जैसे कि एक छोटा सा सेल बच्चे का कितना है, जब वो बच्चा पेट में होता है सबसे पहले एक सेल जाइगोट बनता है, उसके बाद वो जाइगोट डिवाइड होता है, डिवाइड होके एक बच्चा बनता है, और बच्चा जब दुनिया में आता है फिर वो एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वो बच्चा भी बढ़ते रहता है, क्योंकि उसके अंडर का सेल डिवाइड होते रहता है। यानी कि ये जो सेल होता है दे आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दे कैन कैरी आउट ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग। सो सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको लिखना है। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? ठीक है, जैसे ही माइक्रोस्कोप इन्वेंशन हुआ था, रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप, उनका ये वाला माइक्रोस्कोप था, देखो ऐसे दिखता था। ठीक है, उन्होंने देखा, उन्होंने एक कॉक लिया, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेज। जब उसने वो माइक्रोस्कोप के अंडर उसको देखा तो उसने नोटिस किया कि इसमें स्मॉल बॉक्सेज हैं, ठीक है, जॉइंट टुगेदर। और ये दिख कैसा रहा है? ये दिख एक हनीकॉम्ब की तरह दिख रहा है ना, मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है कि नहीं? देखो ये मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है कि नहीं, इस तरीके से वो दिख रहा था। और हुक ने इसको नाम क्या दिया पता है? उस टाइम पे सेल नाम तो था नहीं, उन्होंने खुद ये नाम दिया। तो उन्होंने इसका एक हुक कॉल द लिटिल बॉक्स सेल्यूले, मतलब इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं, और सेल्यूले का मतलब होता है छोटे छोटे ब्लॉक्स टाइप, ठीक है, या कंपार्टमेंट्स की तरह ना, कंपार्टमेंट्स की तरह दिख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने नाम उसका सेल रखा। फिर बाद में उस टाइम पे तो फंक्शन नहीं पता था हमें सेल का, सेल का बस ऊपरी स्ट्रक्चर पता था, अंदर के ऑर्गेनल्स वगैरह नहीं पता थे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ उसके बाद अंदर के स्ट्रक्चर को भी देखा गया, ठीक है, और सेल थियरी दी गई है। और ये सेल थियरी किसने दी थी? दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था स्लाइडन एंड स्वान, ये याद रखना है। उन्होंने सेल थियरी दी क्या थी? सबसे पहली थियरी थी कि सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल है। और दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और तीसरी चीज उन्होंने की थी कि न्यू सेल्स अराइव बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उसी से न्यू सेल्स बनते हैं। तो सेल्स आर नंबर, शेप एंड साइज, नंबर ऑफ सेल। On the basis of the number of cell, organisms are divided into unicellular and multicellular organism. ठीक है, कितने सेल है? जैसे कि हम लोग एक multicellular organism है, क्योंकि हम एक बड़े बड़े organism है ना, और एकदम छोटा organism, जैसे कि एक amoeba, यहाँ पे देख लो amoeba, ये एक unicellular organism है। ये सारे जो ये list में दिख रहे हैं आपको, amoeba, paramecium और Chlamydomonas, ये सारे क्या है पता है? Unicellular organisms है। लेकिन plants और animal ये मल्टी सेलुलर के कैटेगरी में आते हैं, हम भी और प्लांट्स भी। ठीक है, समझ में आए? यहाँ सारे सेल्स यहाँ दिए। और सबसे लंबा सेल कौन सा है? लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है। ठीक है, याद रखना आपको। अब टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल जो कंडक्ट करते हैं मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो ये एक बस डेफिनेशन दिया गया है, मतलब बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स, जो एक एक ऑर्गन सिस्टम बना है, एक इंसान का ऑर्गन सिस्टम है तो वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ सेल्स पढ़ रहे थे हम, शेप एंड साइज। तो नंबर ऑफ सेल्स में हम यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े, उसके हम लोगों ने एग्जांपल्स देखा। अब हम शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल्स अलग अलग शेप्स के भी होते हैं, कुछ ट्यूबुलर होता है, कुछ सिलेंड्रिक, देख रही हो, ट्यूबुलर है, सिलेंड्रिकल भी है, और ये देखो ये लंबे लंबे से हैं, है ना, इलोंगेटेड, कुछ ओवल होते हैं, ओवल होते हैं, कुछ कोई भी शेप के होते हैं। तो एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट सेल जो होता है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और प्लांट सेल्स और जो शेप होता है गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा का, देखो देखो ये गार्ड सेल है और ये स्टोमेटा है।
तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये किस शेप के होते हैं? किडनी, देखो ना किडनी शेप में, देखो इस तरह, ये स्टोमेटा का होल है और ये दोनों गार्ड सेल्स है, ये दोनों गार्ड सेल्स है, और ये किस शेप के हैं? किडनी शेप, किडनी बीन्स देखिए किडनी की शेप के होते हैं। मेसोफिल सेल्स आर लॉन्ग रेक्टेंगुलर सेल्स विथ क्लोरोप्लास्ट, जाइलम वेसल्स एंड वेस्कुलर बंडल्स ऑफ रूट एंड स्टेम आर सिलेंड्रिकल सेल। ठीक है, तो अलग अलग सेल के ये बस शेप बता रहे हैं। एनिमल सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स एमोबॉइड होते हैं, यानी कि वो, अगर वाइट ब्लड सेल जो हमारे इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट है, अगर कोई भी बाहर का ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आया, जैसे कि हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, बैक्टीरिया उसमें है और वो ऑर्गेनिज्म को ये WBC खाते हैं, तो वो किसकी तरह काम करे? एमीबा। क्यों? एमीबा खुद ना कुछ भी खा, कैसे भी खाना होता ना, ये ऐसे जैसे ये खाना है तो ये इस खाने को एनगल्फ करने के लिए अपने पैर को ऐसे गोला कर लेता है, और इसी को हम इसके फॉल्स फीड बोलते हैं। ये क्या है इसका? फॉल्स फीड। फूड को देखते ही अमीबा उस फूड को ऐसे पकड़ने जाता है और अपने फॉल्स फीड, जिसको हम बायो में सीडो पोडिया, सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीड, तो इससे खाना खाता है। तो वही काम हमारे जो देखो यहाँ पे दिया है, दे चेंज द शेप एंड मूव लाइक एमीबा बाय गिविंग आउट प्रोजेक्शंस, इस तरह प्रोजेक्शन बना दे, और दिस प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड सीडोपोडिया, सीडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीड। ठीक है ना, मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप, ये देखो स्पिंडल शेप होते हैं, और नर्व सेल्स आर क्वाइट लॉन्ग एंड ब्रांच सेल्स, फैट सेल, लीवर सेल, ब्लड सेल, दे आर राउंड और स्पेरिकल, तो ये फैट सेल्स वगैरह या वाइट ब्लड सेल थोड़े से राउंड होते हैं। साइज ऑफ द सेल्स भी वेरी करते हैं, जैसे स्मॉलर सेल्स में भी इतना छोटा हो सकता है कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, 0.1 से 0.15 माइक्रोन का होता है, बहुत छोटा यूनिट होता है माइक्रोन, एंड द लॉन्गेस्ट सेल में भी एज 1 मीटर, जैसे कि नसों वाले सेल्स है 1 मीटर के होते हैं। तो इन आर बॉडी, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा हुआ? नर्व सेल। ओके, इन अ बॉडी ब्लड सेल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट, ये क्वेश्चन बन सकता है, स्मॉलेस्ट सेल इन अ बॉडी इज द ब्लड सेल एंड लॉन्गेस्ट सेल इन अ बॉडी इज द व्हाट? लॉन्गेस्ट सेल इन अ बॉडी इज द नर्व। ओके, अब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको हम RBC बोलते हैं, ये 7.0 माइक्रॉन्स के होते हैं। ओके, दे आर मोर देन अ मीटर लॉन्ग, द यूनिसेलुलर अल्गा एसिटाबुलेरिया इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल हमारे बॉडी में कौन सा है? हमारे बॉडी में ब्लड सेल है, लेकिन और ऐसे जनरली तो अमीबा वगैरह ये भी बहुत छोटे हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आप लोग को सॉल्व करना है। सेल स्ट्रक्चर, टिपिकल सेल हैज 3 बेसिक पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर। तो आप ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम से अंदाजा लगाइए, ये देखो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस है और ये एक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और सेल के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक थिन मेम्ब्रेन होता है अराउंड द साइटोप्लाज्म, जैसे ये साइटोप्लाज्म है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स तैर रहे हैं। सेल के ऑर्गन्स को, ये सारे सेल के ऑर्गन्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, याद रखना, सेल ऑर्गेनल्स हम सेल के ऑर्गन्स को कहते हैं। तो ये जो सारे सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म, ये देखो नीचे वाला जो लेयर है साइटोप्लाज्म में तैर रहे हैं। ठीक है, या प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल, इंक्लूड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलके प्रोटोप्लाज्म बनता है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, याद रखना, बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है या कंफ्यूज होते हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म उसमें जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स तैर रहे हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये साइटोप्लाज्म के ऊपर इज अ थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड द साइटोप्लाज्म, तो ये थिन मेम्ब्रेन है अराउंड द साइटोप्लाज्म। तो देखो, तो यहाँ पे देखो ये सेल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट, इट फॉर्म्स अ बाउंड्री ऑफ द सेल, और ये सेपरेट करता है वन अनादर, मतलब एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करता है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, यहाँ तक कि वो सेल के शेप को भी मेंटेन रखता है, और इट ओनली अलाउज सिलेक्टेड व्हाट? सिलेक्टेड सब्सटेंसेस टू गो इनसाइड द सेल। सिलेक्टेड सब्सटेंसेस का वो डिफ्यूजन करता है ना, या ओस्मोसिस होता है, इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी हम कह सकते हैं। तो सेल में मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स तैर रहे हैं,
एक तो सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम्स और प्लास्टिड। देखो सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में मिलेंगे, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो सेल वॉल होता है, सेल को एक स्ट्रक्चर देता है। देखो ये एक एनिमल सेल है तो इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, प्लांट सेल, लेकिन अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, प्लांट सेल ऐसा होता है, इसका एक सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है। ये जो सेल वॉल है प्लांट को क्या देता है, एक ये एक नॉन लिविंग रिजिड कंपोस्ट ऑफ सेल्यूलोज, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, ठीक है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड शेप टू प्लांट्स एंड परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेस। फिर नेक्स्ट ये देखो, ये टेबल आप लोगों को पढ़ना है, इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन दिए गए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको प्लीज लिखिए, एंड यहाँ तक कि ये दोनों डायग्राम्स को भी बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सेल वॉल, अभी मैं इसी पे जाती हूँ, सेल वॉल के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ, सेल मेम्ब्रेन भी मैंने बताया कि ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि सारे सब्सटेंसेस को अंदर नहीं लेते, सिलेक्टिव चीजों को, इसीलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल या फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म, इट इज जेली लाइक थिक ग्राउंड सब्सटेंस, इट होल्ड्स ऑल ऑर्गेनल्स, प्रोवाइड्स मीडियम फॉर अ सेल एक्टिविटी, यानी कि जैसे मछली पानी में तैर रही, तो सेल ऑर्गेनल्स किस में तैर रहे हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। न्यूक्लियस इज अ राउंडेड, न्यूक्लियस देखो प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, ये राउंड कलर का शेप का होता है, ओवल भी हो सकता है, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलोप भी उसका होता है, ठीक है, याद रखना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस अंदर होता है, ये न्यूक्लियस है, उसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलोप होता है। इट कंट्रोल्स द सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज, इनहेरिट कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि जो मेन सेंटर डीएनए आरएनए जो भी हो, मतलब डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का, वो हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो सेल डिवीजन करने में या मियोसिस करने में हेल्प करता है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, हायर क्लासेस में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे मार्क्ड भी है, देखो ये ER होता है, ये देखो ये ER भी बोलते हैं उसको शॉर्ट में, ठीक है, उसको हम शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स, इट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है विद इन द सेल। और गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, इट्स स्टैक ऑफ ट्यूब्स, क्रिस्टने या सिस्टने वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसको हम सिस्टने भी कहते हैं, इस तरीके के फोल्डिंग को सिस्टने कहते हैं, ठीक है, स्टैक ऑफ ट्यूब्स को हम सिस्टने कहते हैं, और फोल्डिंग्स इस तरीके से स्टैक हुआ तो ये गॉल्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है। प्लास्टिड्स, लेकिन नोटिस करो स्टूडेंट्स, सिर्फ प्लास्टिड्स जो सेल ऑर्गेनेल है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल में नहीं होता। ये प्लास्टिड्स एक्चुअली इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वहां पे क्लोरोप्लास्ट मिलता है जो ग्रीन पिगमेंट होता है, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट भी मिलता है। प्लास्टिड्स तीन टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है, क्रोमोप्लास्ट यू नो नॉर्मल कलर्स देते हैं, जो फ्लावर्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह कलर्स होते हैं वो इससे आते हैं, क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट से। और स्टार्च, ल्यूकोप्लास्ट ना कलरलेस होता है, जैसे स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट का कोई कलर नहीं होता है। और गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन मैं बताई नहीं थी यहाँ, इट इज एसोसिएटेड विद सिक्रीशन एंड स्टोरेज, वेरी इंपॉर्टेंट। देन राइबोसोम्स, इट आर राइबोसोम्स, आप लोग देख सकते हो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो मेन मेन दाने होते हैं ना, उसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। यहाँ पे मार्क्ड तो नहीं है, लेकिन ये जो हल्का हल्का उस पर दाने होते हैं, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे दाने होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसमें नहीं होते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स है, राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स, ठीक है, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। लाइसोसोम्स कंटेन टिश्यू डिजॉल्विंग एंजाइम्स, इट इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, नॉट इन प्लांट सेल। ये ना टिश्यू जो मतलब पुराने वोन आउट टिश्यूज हैं उनको सब खा लेता है, तो इसको इसलिए सुसाइड बैग भी कहते हैं, कभी कभी खुद को भी खा लेता है इसीलिए। हेल्प्स इन सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्या है, लाइसोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज एंड वोन आउट पार्ट ऑफ सेल। सेंट्रोसोम फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल ट्यूबल्स ओनली इन एनिमल सेल्स, ओके, सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो जब भी सेल डिवीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें सेंट्रोसोम मिलेगा, और उसी का डिवीजन होके फिर फाइनली एक जायगोट बनेगा। क्लियर स्पेस इन द सेंटर ऑफ प्लांट सेल्स फिल्ड विद सेल सैप, ये देखो
वैक्यूल जो है प्लांट में बहुत बड़ा होता है, एनिमल्स में बेसिकली इतना नहीं होगा। तो इट इज़ क्लियर स्पेस इन सेंटर ऑफ प्लांट फिल्ड विद सेल्स है, स्टोर्स वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल आप लोगों को पढ़ना है। उस ये सारे जो आपको मैंने पढ़ा है, जो फंक्शंस है सेल बॉडी का और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स के फोटोज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि रफ और स्मूथ दोनों होता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक दोनों होते हैं। जो रफ के ऊपर मेन मेन दाने होते हैं इस तरह, उसको हम राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम, जो प्रोटीन फैक्ट्री है सेल का। ठीक है, तो मेन काम सेल वॉल का होता है, इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सेमी स्प्लूटेन जिसमें 90% पानी होता है, सारे सेल ऑर्गेनिक्स में सस्पेंडेड रहते हैं। न्यूक्लियस इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, और इट वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। इसमें चार पार्ट होते हैं, तो न्यूक्लियर एनवलोप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। जो न्यूक्लियर एनवलोप होता है, ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियर पोर, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये है क्रोमेटिन फाइबर, जो ये फाइबर्स होते हैं। ओके, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और ये जो न्यूक्लियर एनवलोप होता है ना, इट सराउंड्स द न्यूक्लियस। ओके, और टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होते हैं, और इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारे, ये देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये जो पोर्स होते हैं, तो सब्सटेंसेस इन एंड आउट इस पोर से आती जाती है, इन और आउट आती जाती है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ थिक फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक थिक फ्लूइड है, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद न्यूक्लियोलस इज अ राउंड बॉडी इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है। तो अगेन मैं बोलूँ, ये पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर है जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, जिसमें पोर्स होते हैं इन एंड आउट सब्सटेंसेस को जाने के लिए, उसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होते हैं, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में सस्पेंडेड होता है। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? इट्स अ राउंड बॉडी, ओके, इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, इट कंटेन्स राइबो न्यूक्लिक आरएनए, इसमें आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, जो कि क्या बनाता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम कौन बनाता है? आरएनए। राइबोसोम मिलेंगे कहाँ आपको? ईआर पे। कौन से वाले ईआर पे? रफ या स्मूथ ईआर पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड अ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? वेरी गुड। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस भी, क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है, अकर्स इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अभी मैंने बताया था, उनको हम क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। ये देखिए थ्रेड लाइक होते हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर्स भी बोलते हैं, इन क्रोमेटिन को हम क्रोमेटिन फाइबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। दे फॉर्म अ नेटवर्क इन द न्यूक्लियोप्लाज्म इन नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस। और फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी सेल, इट इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इट स्टोर्स एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द हेरिडेटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, दैट इज व्हाई द चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स। समझे? तो मेन जो ट्रांसमिट होता है हमारा हेरिडेटरी कैरेक्टर, वो न्यूक्लियस के थ्रू होता है, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। तो न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो हमारे गुण है पेरेंट्स के, उनके सेल के न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो उनमें से एक है प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, सबको मैं यहाँ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वैक्यूल जो होते हैं, प्लास्टिड तो मैं बताए हैं, थ्री टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये भी मैंने बताया। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट कलर, ग्रीन कलर देता है लीव्स को, दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। और क्रोमोप्लास्ट होते हैं, दे आर कलर्ड प्लास्टिड, वेर इज ल्यूकोप्लास्ट, दे आर कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रखना। वैक्यूल्स की बात करो तो देखो, ये प्लांट सेल बहुत अच्छा डायग्राम है, ये बेसिकली प्लांट सेल शोइंग वैक्यूल है। तो यहाँ पे वैक्यूल देखो कितना बड़ा है, दे आर क्लियर स्पेसिस इन साइटोप्लाज्म। और प्लांट सेल बेसिकली प्लांट सेल में होते हैं, और मैच्योर प्लांट सेल इज सिंगल लार्ज वैक्यूल। ठीक है, उसमें सेल सेप होता है, इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट ये वाला लेयर हुआ। फंक्शंस प्लांट सेल वर्सेज एनिमल सेल, दोनों मैं बता चुकी हूँ कंपेयर करके। ठीक है, अगर बेसिकली एक टेबल फॉर्मेट, ये टेबल आप लोग बना लेना, मेन आप लोगों को क्या करना है, प्लांट सेल में क्या चीज़ें प्रेजेंट है और एनिमल सेल में वही चीज़ प्रेजेंट है लेकिन एबसेंट है, ये आपको लिखना है। जैसे सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एबसेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट ऑन प्लांट, ऑन वन साइड ऑफ प्लांट सेल, लेकिन इट इज प्रेजेंट सेंट्रली इन एनिमल सेल।
प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स सेल, प्लांट्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, सेंट्रोल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल वेयर इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में एब्सेंट है सेंट्रोल्स और एनिमल सेल में प्रेजेंट है। लाइसोसोम्स एब्सेंट इन प्लांट सेल प्रेजेंट इन एनिमल सेल। गोल्जी बॉडीज आर मेनी एंड स्कैटर्ड वेयर इज एनिमल सेल में ओनली वन। वैक्यूल प्रेजेंट वन और टू और लार्ज वैक्यूल एब्सेंट फ्यू एंड स्मॉल। ठीक है, कभी कभी हो भी तो थोड़े बहुत होते हैं एनिमल सेल में, वैसे जनरली एब्सेंट होते हैं, और प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और नीड ऑफ सेल डिविजन क्यों है इलू? सो मूविंग फर्दर, नीड ऑफ सेल डिविजन, तो सेल डिविजन क्यों होना चाहिए? देखो, सेल डिविजन होगा तभी तो ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा, न्यू सेल्स आएंगे बॉडी में, ओल्ड सेल्स रिपेयर होंगे, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ, सेल्स खराब हुए, तो उसको रिपेयर भी तो करना है, तो कौन रिपेयर करेगा उसको? बेसिकली कौन रिपेयर करता है उसको? सेल डिवीजन की हेल्प से तो रिपेयर होता है, तो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, एक तो ये पॉइंट हुआ। रिपेयर वुंडेड टिश्यूज, प्लेस रिप्लेस ओल्ड एंड वोर्न आउट सेल्स, जब न्यू सेल्स बनेंगे तभी तो ओल्ड सेल्स रिप्लेस होंगे। दस सेल डिवीजन इज अ नेसेसरी इवेंट इन द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बींग। सो बेसिकली हाउ टू स्टडी दिस सेल्स, सेल्स आर स्टडीड ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। एग्जैक्टली, तो हमें क्या करना पता है, हमें वेरियस पार्ट ऑफ द सेल्स हमें डाई से कलर करना होता है। तो फिर डाइल को हम जनरली बायोलॉजी में स्टेन बोलते हैं, एंड दिस प्रोसेस ऑफ कलरिंग इज कॉल्ड स्टेनिंग। द स्टेन सेल्स आर माउंटेड ऑन अ क्लीन स्लाइड, एक स्लाइड लो, एक स्लाइड ऐसा होता है, उसके ऊपर हम जो भी स्टेनिंग ले रहे हैं वो उसके ऊपर रख दो, और उसको जो पूरे स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंडर रख दो, और फिर आप लोग उसको आराम से देख सकते हो। जैसे कि ये प्लांट सेल है, तो यहाँ पे आपको फ्लैशी लीफ ले लो, या अनियन की फ्लैशी लीफ ले, या अनियन सेल्स है ना, अनियन सेल ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, इसका सेल वॉल साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस वैक्यूल सब मार्क्ड है यहाँ पे, तो उसकी पील लेके आप लोग क्या करो, स्प्रेड द पील विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। पहले तो उसको एक क्लीन स्लाइड पे एक ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू और सैफ्रिनिन, ये ही स्टेन है, ये स्टेन डालने के बाद उसको आप लोग रख लो, किसके अंदर, एक स्लाइड के ऊपर रखे, फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप डाली जाती है, स्लाइड के ऊपर जो स्टेन रखते हैं उसके ऊपर एक कवर स्लिप डालते हैं, और कवर स्लिप को हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो ये ब्रिक शेप सेल्स दिखेंगे लाइंग साइड बाय साइड। ठीक है, इसी तरह हम एनिमल सेल्स, ह्यूमन चीक सेल्स को हम पढ़ सकते हैं। अपने जो उंगली से आप अपने चीक्स के अंडर वाले एरिया पे हाथ लगाओ, टूथपिक से ले लो या फिर आइसक्रीम सूप से ले लो, फिर उसी को आप लोग स्क्रेप कर लो चीक के अंदर, फिर ड्रॉप ऑफ ये जो स्क्रेपिंग है एक ड्रॉप ऑफ वाटर में डालो, फिर क्लीन साइड पे डालो, ठीक है, उस पर भी मिथाइलिन ब्लू स्टेन डालना जरूरी है, तभी तो हमें कलर से पता चलेगा कि ये सेल है। ठीक है, कवर द कवर स्लिप एंड रिमूव द एक्सेस स्टेन विद ब्लॉटिंग द पेपर, ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड सेल्स इस टाइप के दिखेंगे आपको, तो ये पॉलीगोनल या इररेगुलर शेप के होते हैं। इट हैज अ डार्कली स्टेन न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सराउंडिंग इन अ सेल साइटोप्लाज्म। तो ये आप लोग देख सकते हो, मैंने दोनों चीजें दिखाई आपको, एक है अनियन सेल कैसे दिखते हैं और ये है चीक सेल। ठीक है, एक्टिविटी और भी दिए गए हैं टू स्टडी ब्लड सेल्स, तो ये भी एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो, ये आप लोग करके देखना। WBC ऐसे एमोबॉइड शेप के होते हैं, ब्लड लेट RBC देखो एल्पिन लेबे चॉकलेट की तरह होता है, बाय कॉन्केव शेप का होता है इस तरह। ठीक है, उसी तरह हम एमीबा एंड क्लेमाइडोमोनस, ये दोनों जो है हम इनको भी पढ़ सकते हैं, ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे ना तो ऐसे दिखेगा। तो बॉडी एमीबा का इररेगुलर इन शेप है, फिंगर लाइक सीडोपोडिया, मैंने सीडोपोडिया की बात की थी ना, जहाँ से वो खाने को एंगल्फ करते हैं, फॉल्स फीट। ओके, और तो बेसिकली यही है पूरे चैप्टर आपका। क्लेमाइडोमोनस भी बॉडी सिंपल यूनिसेल्युलर स्पेरिकल और ओवॉइड। तो आपको क्या करना है पता है, ये सब एक्सपेरिमेंट्स आप लोग को तो खैर मैम लैब में कराएगी, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स को आप जरूर पढ़िए, ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए। एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस पर्सनली, द नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।